श्री रघुवर कथा प्रसंग जल चेतन जग जीव जत सकल राम मैदानी बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर राम चंद्र की जय। मानस वृंदावन ने पावन गंगा में बैठे राम कथा के जंबो रावण सिंह करुणा के सागर त्याग के मूर्ति ममता के छाया वात सल ऐसा चाट मूर्ति मती शक्ति स्वरूप ने जंबो महतारी मुल्ला गुरु और पिता के तुल्य राजवल भगवान गागर सुधी जैसे मार्गदर्शन के द्रविया पिता तुल्य श्याम मुल्ला और धर्म काम और मोक्ष के रूप में विराजमान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भगवान सवारी मन ध्रुव नारी जैसे नाने नाने बाल गोपाल बाल्मीकि साथी मन ये धर्म और ज्ञान मंच के सारथी के रूप में आदरणीय पिता का दर मौसिका महोदय जिला और आगंतुक मंडली के व्याख्यान संगीत वेशभूषा व्याख्यान अनुशासन हर पहलू के निखार करिया नीचे की प्रवृत्ति जन आदरणीय बुजुर्ग मिला तब मन धन से सहयोग प्रदान करके मानस मंदाकिनी गंगाला प्रवाहित करिया भगीरथ प्रयास करके मानस मंदाकिनी गंगाला प्रवाहित करिया जम्मो धाम दाता ग्राम ऊपर वाला के श्रद्धा सत्य समाज के चरण कमला इसरे दिन मानस परिवार ग्राम खिसोरा राजी हजदा गढ़हल है जम्मो सत्य समाज के चरण कमला कोटि कोटि प्रणाम है। आवा मिले कथा प्रसंग करम के कारण देख राम मुख पंक रजा मुनि वर लोचन भिन्न सागर पार करत अति धन्य जन्म सर भक्त सियावर राम चंद्र की जय। आज आखिरी दिन है ताकर ताकर तुझे तो कहा था देखो भगवान हमने 24 घंटा दे है ना के घंटे होते राधा के मिला के लाई के घंटे हो 24 घंटा और भगवान का तार कितना है भगवान का तार कितने पता है शास्त्र में यह कब का तार है भगवान को आयु हाथ पथरारी देवता से मधुर भूमिका माता ही तो बल करो है भगवान का तार भी कितना है 24 भगवान का तार कितना है और रात और दिन मिला के 24 और हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में चक्र है देखे हो ना चक्र है ना आरा कैठन है 26 लहर 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 आया रे मेरा झंडा तिरंगा गणतंत्र दिवस सुना हूँ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है ना और मेरा चक्र कितना है 24 है हमारे जितना सनातन धर्म के प्रतीक है सांकेतिक है सब हमारे शास्त्र से जुड़े हुए हैं याद रखना भगवान हमारा 24 घंटा के समय दे है मगर सजना याद रखना 24 घंटा हमारा न है भगवान के 24 अवतार के मतलब है कि भगवान 24 घंटा हमारे रक्षा करे थे रात दिन 24 घंटा हमारे रक्षा करे थे 24 घंटा भगवान दे है ना तो 24 घंटा हमारे रक्षा भी करे और भगवान के 24 अवतार है और याद रखना ये 24 घंटा हमारे न है हरे का है आदमी हाँ 10 से 12 घंटा सुनते थे ना नाव खटवे थे 10 घंटे सुन के पहाड़े थे भाई तो सुते ही घंटे हुआ तो दिन हमारे सुते ही पहाड़े पहाड़े की नहीं पहाड़े पहाड़े ना अब आदमी ज्यादा ज्यादा 8 से 10 घंटा काम कर लेते है ना संसार परिवार के लिए जरूरी है काम करना तो जरूरी है तो 10 घंटा काम भी निकल गए कटका निकल गए वो कटका निकल गए 20 घंटा निकल गए और के काम खाते दिन भर में वो एक काम जरूर खाते तीन बार दुकान दी तीन बार भोजन और भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार तीन बार भोजन और भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट
बहुत झंझट है सत्संग में, बड़ा मुश्किल, तीन बार खाथो ठीक है, चलो आधा आधा घंटा समय निकाल दो। कब का हो गए? 23.5 घंटे निकल गए ना, निकल गए कि नहीं निकल गए? हिसाबत रहा 24 घंटा, 1.5 घंटा तीन बार के खबर पे नाश्ता पानी निकल गए तो सब मुसल खा दो। सीता राम सीता करो भस्त करो भात ला खा कर सीता राम भस्त करो भस्त तो खोई निकल गए, निकल गए ना 21.5 घंटे निकल गए। और का बात के वो दैनिक क्रिया नहाना धोना ब्रश मंजन है ना, निकालते रहो 1.5 घंटा, 1 घंटा में जरूरी है, 1 घंटा बहुत निकल गए है ना, तो फिर जाऊं क्यों तो कितना हो गए 22.5 घंटा हो गया। काम आज के वो 1.5 घंटा माचे माचे 1.5 घंटा। अब काम आज के चलो बहू आगे घर में तब सास रख पुराण करना जरूरी है, नातिन धरी पड़ोसी घर जारी का करवे बहिनी हमर बहुत सार जब बिगाड़ की सो पुता काम ठिकाने नहीं पड़े बहिनी जब ले आए तब ले घर चोरी बोलो वो तो पुराण जरूरी है तब नातिन खिलाएगा है आधा घंटे वो बराबर निकाल दो, निकाल के वो 23 घंटा बाचिस कतना कतना बाचिस 1 घंटा। यदि जीवन में 1 घंटा भी भगवान के लिए सत्संग में निकालने था ज्यादा नहीं तो थोड़ा सही पर कुछ सत्संग होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सही पर कुछ सत्संग होना चाहिए। मानते हैं गृहस्थी में झंझट है प्यारे, पर हरि का सत्संग होना चाहिए, हरि का सत्संग होना चाहिए। तो 1 घंटा काफी है यदि जीवन में सत्संग हो जाए तो। तो ये बताना चाहते हैं 24 घंटा का मतलब ला, वो 24 घंटा हमारे संसार व्यवहार के लिए है, अवला काम करना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, संसार परिवार है ना, घर का समय देना भी जरूरी है, तब हमारा समय कौन है जे हमारा मरे पर भी शांति और जिए जिए भी शांति, वो समय कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज जी की धन्य घड़ी, धन्य घड़ी जब होई सत्संग और धन्य जन्म तुझ भगती अभंगा। उही घड़ी धन्य है गाना, उही घड़ी धन्य है जैन घड़ी में हमर मन बुद्धि चित भगवान के भजन में लग गए, वो की हमर समय याद रखे। 24 घंटा हमर नो है संसार में हार के लिए निकल गए थे, लेकिन जे हमर जीव जन भी काम आई नहीं और मारे बाद भी परलोक में शांति ही। गोस्वामी जी मानस में चौपाई लिखी धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगत यह भंगा, उही घड़ी धन्य है जैन घड़ी में मन बुद्धि चित भगवान के भजन में लग गए, उही घड़ी धन्य है। पावन ये पावन समय ना, ये पावन घड़ी ना हम धन्य बनाए के प्रयास करें। और मैं ट्रेन निकल कर तो चटका चट बैठे हो, ज्यादा याद मत करो रामायण याद तो नहीं हो सके, कथा भूल जान सकन, केवल दो चौपाई जीवन में उतार लो, केवल दो चौपाई, और ये दो चौपाई यदि हमारे जीवन में उतर जाए ना तो हमारा स्वयं हमारे मानव जीवन के साथ सकता हम सबदा महसूस हो जाए। और हमारे मंडली के उद्देश्य भी है आग्रह एकांत में चिंतन, और हम बिल्कुल उद्देश्य ला आप सबके बीच में निवेदन के साथ आग्रह के साथ रखना चाहता हूँ। हमारे उद्देश्य है मंडली के आग्रह आत्मचिंतन, आत्मचिंतन मतलब हू आई एम, हम कौन है, वेयर वी गो, हम जा पा रहे हैं, जाना कहाँ है और जा पा रहे हैं, व्हाट वी डू, हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं, ये तीन चीज के समीक्षा करो। हू आई एम, हम है कौन, मानस कथे हमर कौन है, ईश्वर अहिंसा जीवन विनाशी चेतना मल सहज सुख राशी, ईश्वर के अंश संतान हो गए। जब ईश्वर के अंश संत भगवान के लिए हम का करत हैं तो अपने आप सोचो ना, दूसर में पूछो है, अपने आप पूछो जब भगवान के अंश संत भगवान के लिए का करत हैं। और रामचरित मानस ने भगवान की समर्पण के लिए सब मम प्रिया सब मम उपजाए
असबते अधिका मनुजा भोई भाए चौरासी रात जीव रवि ही बना हो चीटी से लेके हाथी तक जतना जो है मोर द्वारा बनाए गए लेकिन लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मोई भाए सबसे अधिक कोई प्यारा है तो वो हरे मनुष्य। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन लगी सहजो ममाय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना हे अर्जुन चली थकर ते वसत का होने वाला है तेरा ये संसार मोर बना ले ममाय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना ये संसार के प्रकृति के जतक जीव है तेरा सब में बना हो भगवान भी की तब हम मन के उद्देश्य का होना चाहिए मानव जीवन को उद्देश्य का होना चाहिए है ना। अरे तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा इस माना तन में ही परमेश्वर का दर्शन करना होगा तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा। पता नहीं आने वाला कल कब हुई का हुई कोई नहीं जान सकत तो एक सिद्ध निवेदन करतो है ना। बड़े भाग्य मानुष तक पावा सब लव सब ग्रंथ गावा जलक गोस्वामी जी महाराज बड़े भाग्य से हमें गुरु का लिखी दूसरी चौपाई और लिखी का लिखी बड़े भाग्य से शुभारंभ करी बड़े भाग्य पाई सत्संगा बिना ही प्रयास हुई बहुगा ये सत्संग भी भाग्य से मुझे राय हो तो जितने जन बैठे हो सब कहना आज हम भाग्यशाली है ना ये समय ये दिन ये घड़ी ला चलो भाग्य बना के भाग्य के उदय के लिए सुंदर अच्छा बना के प्रयास करें यही भाव के साथ आओ मुझे कथा प्रसंग अरे मैदान जो हम ऊपर साथ में विस्तार देने के प्रयास करो बोल श्याम राम चंद्र की जय बोल साचे दरबार की जय। अपन जन्म के लीला के जो हेतु है वो लीला के क्रम में भगवान आगे बढ़ते हुए अत्री रसैया के आश्रम से भगवान आगे निकल गए फिर भगवान जब आगे बढ़ते ना तो कबंध राक्षस के उद्धार होते फिर भगवान आगे बढ़ते हम लीला के क्रम में आगे बढ़ावत दंडक वन की ओर आवत ही नहीं दंडक वन को जब भगवान आवा थे तो एक महात्मा मिली और महात्मा है सर्वभक्त और सर्वभक्त महात्मा जब भगवान राम ने देखी प्रकाल गोस्वामी जी लिखी देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सागर पाल करते ती धन्य जनम सर्वभंग भगवान राम ला जैसे सर्वभंग मुनि देखिस भगवान के मुख ला देखिस भगवान के मुखारविंद ला देखिस कौन हा सर्वभंग ऋषि हा जैसे भावरा हा भोगरा भोगरा भावरा भावरा हा कमल के फूल ला जैसे देखते तो भावरा है ना वो कमल के फूल में लिप्त हो गए भावरा के मन जो है वो कमल के फूल में पराग में चूसे बार लिप्त हो गए थे वैसे ही भगवान के मुख रूपी कमल ला देख करके सर्वभंग मुनि के मन रूपी जो भावरा है भगवान राम के मुख रूपी भावरा में एकाग्र और भगवान के मुख भी कमल हाथ भी कमल चरण भी कमल तब की स्थिति में गाते ना नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर पर तरम तच भिनव नीर नीरज सुंदरम भगवान के सब कमल दल भगवान के हाथ भी कमल भगवान के मुख भी कमल भगवान के नेत्र भी कमल भगवान के पैर भी कमल सब भगवान के कमल कमल है शरीर प्रमाण कहां में थे जब पुष्य वाटिका में जाते ना भगवान कमल के प्रमाण देखते पुष्य वाटिका में जब फूल पड़े पर भगवान जाते हैं तब महाराज जनक जी के वाटिका जले योग के वाटिका कथे और योग के वाटिका में चार दिशा में चार जनक है चार जनक चार जन वाली कर रहा है और भगवान हाँ बिना आज्ञा के बिना बगिया में प्रवेश करने नहीं चाहे आज्ञा मांगी कि मोला फूल तोड़े मर जाना है भैया मोला अंदर जान ले तब वाली मन का कहा है बगिया पीछे जाने न
कि राम जी बिनती सुनो। तोला अंदर जानी दे काबर बलिया विजय जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। चरण तुम्हारे कोमल कोमल, चरण तुम्हारे कोमल कोमल, पायन काटे गड़े गई है कि राम जी बिनती सुनो। बढ़िया पीछे जाने न गई है कि राम जी बिनती सुनो। माली पर कहा है भगवान तो चरण हाथ कमल से इतना कोमल है, कांटा अगर नहीं तो हमें दुख हो ही नहीं प्रभु। के बगिया अंदर बच जा तो फूल तोड़ के तो हाथ लिए काबर कर है तुम्हारे कोमल कोमल, कर मेरे हाथ कर है तुम्हारे कोमल कोमल, पंखुड़ी भी चुभ गई है कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न गई है कि राम जी बिनती सुनो। तोर हाथ कितना कोमल है और यहाँ कटीली कटीली झाड़ी है, तोर हाथ में काटा कर ये भगवान हम लड़ दुख हुई, बड़ा कोमल है, कमल की तरह तोर हाथ है। तब और कोई फिर भगवान हाँ अलग अलग दिशा में चार दिशा में चार जन मार रहा है, वो भिगु ऋषि पार ऋषि वैष्णव पार ऋषि भिगु ऋषि पता महाराज जनक जी के वाटिका में चौबीस चिता इतनी छिमालीगढ़ चौपाई है, चार दिशा में चार रखवार और रखवार मंत्र साधारण बड़े बड़े ऋषि चौबीस चिता पूछ मालीगढ़ मालीगढ़ मतलब पूछे उत्तर दिशा पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा सब दिशा में भगवान जय मतलब जान दे भाई मतलब फूल करना है। तब कहा है भूख तुम्हारे पंकज कोमल भावरे अति मंडल रही है कि राम जी बिनती सुनो। तोर मुख अतना कोमल कोमल है कमल की तरह, कण भावरा झूम रही मुख में भावरा झूम रही तब बड़ा दुख हुई प्रभु ते अंदर बच जा। बगिया बिच जाने न गई है कि राम जी बिनती सुनो। ऐसे भगवान के पूरा शरीर कोमल कोमल है तो ऐसे भगवान के जब मुख मंडला सर्वंग मुनि देखी बड़ा सुंदर हिताई हो राम इतना मुखार बिन भगवान के कोई एक बार जो भगवान देख लेना वो भगवान के होता है। और प्रमाण मिलते घर का इस वाटिका में सीता माता देखी सो ना फूल तो लग गया है। अरे हम पे चलायो गयो टोना टोना समझ गया ना समझ को टोना ज्यादा नहीं कुछ क्या समझ गया है ना माता जानकी है ना भगवान ने देखी तब माता जानकी के दशा कैसे हो गए देखी कहा आज ही प्रसंग भाव। अरे हम पे चलायो गयो टोना किशोर कर सावर हो सलोना मन मुस्काए राम हम ही वो रचिताए चिताए मैंने देखना मोर वाले देखी मन मुस्काए राम हम ही वो रचिताए मोर कहा देखी बहनी कहा कैसे हो गए सखी पर पूछा थे। अरे हो गए जो कुछ भी हो ना जैसे होना जैसन हो गए मन मुस्काए राम हम ही वो रचिताए कहा का हो गए बहनी सखी मन पूछे थे। अरे हो गए जो कुछ भी हो ना किशोर गौर सावर हो सलोना हम पे चलायो गयो टोना किशोर गौर सावर हो सलोना। ऐसे भगवान के मुख नहीं हो उड़ा भगवान के जब मुख ल देखी सर्वंग मुनिया देख राम मुख पंकज पंकज मोरे कमान भगवान के मुख जो है कमले मुनिवर लोचन भी और मुनिवर मने सर्वंग मुनि के आंखी का है भौरा जैसे भौरा कमल में देख करके लिप्त हो जाते हैं वैसे ही सर्वंग मुनि के नेत्र रूपी जो भौरा है भगवान के मुख रूपी कमल में ऐसे एकाग्र हो गए सादर पाल करत यति धन्य धन्य सर्वंग और मुखार भिंद रूपी कमल में सर्वंग मुनि के नेत्र रूपी भौरा जो है ऐसे पाल करे थे का अरे जनाओ तमन्ना यही है
भर के हमने अभी देखा नहीं है, जी भर के हमने अभी देखा नहीं है। ऐसे भगवान के मुखमंडल देख के सर्वंतपुरी के मन जो है एकाग्र हो गए, अतका सुंदर ही जाए। और आज के तारीख में सुंदर कहा कथन हीरो ना दीदी, अच्छा नीतर कहा कथ हो, कहा कथ हो हीरो स्पेलिंग का है वो थोड़ा कमजोर है एच, हाँ तेरे गलत चल पता हुई एच ई आर ओ उसे रहे ना। अब हीरो का फुल स्पेलिंग देखा, फुल फॉर्म एच बड़े हैंडसम, एच मतलब हैंडसम, भगवान का हैंडसम रहीस इतना सुंदर, दुश्मन भी जल्दी जाएगा भगवान का मारे पर तेरे पर मुक्त हो। प्रमाण मानस में भी मैंने कहा था, मानस में प्रमाण सूर्य ने कहा कि नाम है लक्ष्मण चक्र काट दी काटी कहा सूर्य ने कहा भैया ये भैया था दूसरा भैया मेरी माँ को मिले भैया भैया अपन भाई वाला बताया कर दूसर कर गई कर दूसर कर गई कथ कैसे होगी बहनी कौन है कैसे कर किसका हो गए। सुपर्ण का कहा थे बैठे बैठे भैया मेरा, हाँ बता 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 मन लगा दिल उतारे मैं चली गई पंचवटी में भैया मन को बहलाने, देखा मेरा रूप भैया चंद्र सब उजियाला, एक छोटा राजकुमार हो गया मुझ पर मत वाला, जब चली ना कोई चाल भैया कपट की बाजी, वो छोटे राजकुमार मेरी नाकान काट डाली। अच्छा काट दी बहनी तो नाक ला चलत रह चलत मारे मर जाओ, ये बात करी कि सो 14,000 धर के जावत 14,000 से धर के गी भगवान के जे नाक ला काटे पर बहनी के बदला ले वो मार दो काट दो, ऐसे में सेना लेके सब जल्दी और सेना धर के गिस लक्ष्मण आओ माता जानकी का कदम छुपा और भगवान के जन खड़े है ना। अब जब एक जन खड़े 14,000 सेना के किस हो भगवान राम ला तहन का कहा थे जब भगनी किंध रूपा और बदलायक नहीं पुरुष अरूपा, भले हमें बहनी के नाम लगा दी थी बाप सुंदर, भले हमें बहनी के नाम लगा दी तो कार दी थी फिर अच्छा सुंदर है अच्छा स्मार्ट है प्रमाण मिल गया कतना है सब भगवान है, जब जब भी भगनी की नकुरूपा बधलायक नहीं पुरुष रूपा, एक दूसरे के 14,000 सेना कुछ पल के लिए भगवान देख के मुक्त हो गए अतना सुंदर ने हैंड सब हैंडसम के प्रमाण मिल गया एच मने हैंडसम। दूसरा अक्षर हीरो के वो ई ई मने एजुकेटेड एजुकेशन शिक्षा, भगवान अतना एजुकेटेड रहीस अतना शिक्षा प्राप्त कर रहीस मानस कथे अल्प काल बिता सब आई और गुरु गृह पढ़ना गए रघुलाई, भगवान हाँ छोटे से उम्र में सारी विद्यालय प्राप्त कर ली तो ऊपर से एजुकेटेड कौन हो सकते डिग्री डिप्लोमा है भगवान सारी चीज प्राप्त कर ली हो गए ना। ई दूसरा अक्षर तीसरा आर आर ये रेगुलर डेली कंटिन्यू, तो भगवान के रेगुलर नियम का रहा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाव ही माथा, तो भगवान के रेगुलर नित्य नियम रहा नित्य नियम सुबह उठे भगवान हा गुरु ला माता पिता ला प्रणाम करे रेगुलर एक दिन ही तुम करो कदम करो नहीं कर नहीं करना यही हमारे मन के भूल है यही हमारे मन की गलती है, लेकिन भगवान रेगुलर एच मने हैंडसम है ना, आर मने एच ई ई मने एजुकेशन एजुकेटेड, आर मने रेगुलर नित्य ओ मने ऑर्डर आज्ञा भी भगवान हाँ बिना आज्ञा के बिना घर नहीं निकले आए समान कर नहीं तुम कहा जा है ना, पिताजी ने आज्ञा मांगे बिना भगवान घर से भी नहीं निकले और हम कहाँ गए हैं कब आ
आज की जगह से तो सच्चे ना राम हा ऐसे नहीं कि भगवान से मानो, राम ले चित्र के रूप में देखो, राम ला आचरण के रूप में उतारो, राम ला आदर्श के रूप में उतारे के प्रयास करन। तो भैया ये भगवान HERO गणेश कहना चाहिए। आज के आधुनिक भाषा में अगर हीरो कहा जाए तो कोई यदि हीरो है तो भगवान। H मन हैंडसम, E मन एजुकेशन, R मन रेगुलर, O मन आनंद। ये भगवान के नित्य प्रति दिनचर्या रहा। तो ऐसे भगवान बहुत सुंदर ही और भगवान के सुंदरता ला देख करके मुख रूपी भाव मुख रूपी कमल ला देख करके सर्वकुंडली के नयन रूपी जो भावना है एकाग्र हो गए और सागर पान करत अति धन्य धन्य सर्वंग। और आज सर्वकुंडली के जो जीवन के जो धन्यता है हकीकत में हम जन्म का मल है। जन्म एक उद्देश्य का होना चाहिए तो जन्म के जो सार्थकता है ना हवन। अरे बड़े भाग से प्यारे ये बंद तक मिला है, उद्देश्य का होना चाहिए। बड़े भाग से प्यारे ये बंद तक मिला है, गवाते उम्र पार कर दी, गवाते उम्र पार कर दी। अरे खाने तमाने में आयु बिताई प्यारे, कब बचपन नींद आई, कब जवान हो गए वो, बर बियाह हो गए, नाती कतरे आ गए, है ना बुढ़ापा आ गए, डकमिल डकमिल कर यहाँ करे सनम सनम का झिनमिल झिनमिल आखी करे, कब किन बे भगवान अब तो छीन। अरे खाले तमाड़े में आयु गवाई प्यारे, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। तुम्हारे जीवन की सार्थकता कम से कम परमात्मा के सानिध्य मिल जाए, भगवान तक जाए कहीं न कहीं रास्ता खोज ले साधन धाम चक्र द्वारा। आज सर्वज्ञ के जीवन के धन्यता सफल हो के लाए हो, भगवान के दर्शन पाके अपना अपना धन्य बनावा चिताओ। ये भजन के बाद आगे के भाई बोल श्याम राम चक्र की जय। बोल शंकर भगवान कैसे जय की बोला हम ठीक लगा सर्वक मुनि अतेक साधक दाई हो, जय हा अपन योग शक्ति से स्वयं ब्रह्मा के धाम जा सकते थे पावर अतेक महात्मा योग सिद्धि। और भगवान के जो लीला के हेतु है ओकर कारण ही का है, भगवान ये नहीं कि केवल राजा दशरथ और माता कौशल्या नहीं सुख दे रहा है, समझा नासा पाल के राखे इसरो भक्त बना। माता कौशल्या का है मेरा सुखदेव वाला है, राजा दशरथ का है केवल घर में ला रहा है, भक्त मन का है भगवान है, योगी मन का है वो ध्यान है। तो सब के मनोभावना भगवान पूरा करत करत आवत है। तो एक संत है सुंदर भक्त मन के भाला सुंदर भाव के से रखा कि अज आई बहार हंसते हंसते ओ सावला सरकार हंसते हंसते कौशल्या का लाल आया दशरथ का दुलार आया। सब भक्तमन के भाव देखो, कौशल्या का लाल आया दशरथ का दुलार आया, अज भक्तों का भगवान हंसते हंसते ओ आया सावला सरकार हंसते हंसते। योगी का ज्ञान आया तपसी का ध्यान आया, योगी मन भी आशा पाल के रखे रहे भगवान बोलो कराही, तपस्वी मन भी ध्यान पाल के रखे रहे भगवान बोलो आई। योगी का ज्ञान आया तपसी का ध्यान आया, अरे शिव जी का भगवान हंसते हंसते सावला सरकार हंसते हंसते, सावला सरकार हंसते हंसते। भारत का बड़ाई
भारत का जमाई आया, भारत का बड़ाई आया, जनक का जमाई आया, अज सीता का सिंगार हंसते हंसते ओ आया, सावला सरकार हंसते हंसते अज आया, सावला सरकार हंसते हंसते। ये भगवान के पूरा लीला के क्रम में जुड़े ही काम होते। एक सिद्धि भगवान राम जो है हरि अवतार हेतु जय होई, इधर कम कही जाता रसोई। भगवान इक्रेज बरा ऐसे नहीं कह सकन, भगवान की लीला में कई जो हेतु जुड़े है तो एक सिद्धि भगवान सब ऋषि मुनि महात्मा बन के आश्रम में आवा थे और इधर पहले भी करे थे, है ना। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन, है ना। भगवान सब मुनि महात्मा का सुख दे बरा है, तब सर्वंत महात्मा जो है जब भगवान ने देखी तो मन एकाग्र हो गए भगवान के चरण में। अब कहते कामुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, चाचा रहे विरंति के धामा, सुने श्रवण बने रामा। सर्वंगुनि कथे प्रभु हे रघुवीर, हे कृपा करने वाले और भगवान शंकर के मन में बसने वाले शंकर मानस राज मराला, भगवान शंकर जी के इष्ट कौन ही सुपंत उपाल रूप सोई राम। भगवान शंकर हा परमात्मा राम के बाल स्वरूप रहते खिंडे में बिठा के रखे रही, है ना। कदे समय जानते हो भगवान के जब जन्म हुई ना तो पूरा वहां अयोध्या में एक महीना के पुराण सोमनाथ मास दिवस पर दिवस भा मर मर जाने कोई रथ समेत रवि था के हुनिसार का बड़े विधि हो। एक महीना के दिन हो गए भगवान के जन्म उत्सव मनावा थे, तब भगवान शंकर के घर मन हो सो भगवान देख लेते हो, मोर प्रभु ने देख लेते हो, पर भगवान के दर्शन कर लेते हो। भगवान शंकर के मन में प्रभु के दर्शन करे की इच्छा हो, अब कैसे दर्शन करना है तो भगवान शंकर ना का भुसुंडी जिला संग पकड़ी चंद्र का चेहरा रहा, दोनों दोनों जाओ और भगवान के दर्शन कर लो, दोनों दोनों वही दर्शन करेगा तो वहां पर भीड़ लगेगा। अरे राजमहल में जाना कोई साधारण बात थोड़ी है, पूरा भीड़ लगे रहा है। तो भगवान शंकर कहते कैसे करबो जी, चेहरा राम बता है कैसे नंबर को ध्यान हो ये दीदी झगड़ा हो चुका वो है काला काला मिले से बता दो कहा होंगे। चुप रहा आवाज समझ आती है, आवाज है झगड़ा होते हैं ना नहीं ना, चुप रहा कहा गया ऐसे बड़े कहा दीदी बड़े कहा गया। तो यहाँ पर बताना चाहते हो शंकर मानस राज मराला, सर्वज्ञ मुनि कहा थे हे भगवान शंकर के मानस मन हृदय, भगवान शंकर के हृदय में बसने वाले बाल स्वरूप जैसे राजमराल छोटे छोटे जो हंस के जो बच्चा होते ना वाला राजमराला कथे वैसे छोटे जो स्वरूप है भगवान के और भगवान शंकर के हृदय में बसने वाले हो वही भगवान शंकर के मानस पटल पर बढ़ने वाले हे प्रभु कथे कि मैं हाँ जाकर हूँ बिरंच के धामा, सुने उसरण मन रे हरी रामा। तब वो सर्वंग मुनि कथे में बतावत रहे हो कि भगवान शंकर हा राम जी के उपाल रूपला कब अपन हृदय में बिठा के रखी तू ही बतावत रहे हो और तू मन का गुठिया दे वो अपनी गुठिया ना हाँ बता था ना। तब भगवान शंकर हा का कुछ भी लचेला बना कैसे हो दर्शन कर वो कही के अब राजभवन में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल होता है। अब भगवान शंकर कहते कैसे कर बुझी दर्शन करो पर जाओ कथा तो भारी भीड़ भाड़ है और माता मन कहते भीड़ भाड़ लगे जाना मुश्किल है तो कैसे कर बुझी। चेला राम का कुछ भी कहा था एक काम कर सर मैं बनत हूँ पंडित है ना आचार्य शंकर पंडित मोरूप न बदल के और ते बन गए चेला और ते हाँ जाप प्रचार प्रसार कर गए मैं शरीर के किनारे में बैठे हूँ और ते जाप प्रचार कर गए। ओ अयोध्या वासी सुन लो, अयोध्या वासी सुनो, एक बाबा जी आए हैं
के पास हाथ दिखाइए, अपने बालक का हाथ दिखाइए, खुद का हाथ दिखाइए और अपने भविष्य जान लीजिए। साफ सत्य सत्य बताते हैं वो प्रचार करते हैं, वो प्रचार करते हैं। काकू सुन लिया रूप बदल के आए और भगवान शंकर जाना, भगवान शंकर हर दर्शन पर मरत है प्रभु, कैसे दर्शन करूं भगवान, तो रूप के दर्शन कम हो, भगवान शंकर के मन दर्शन रहा हो। और सोई जानहु तई जे ही जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान हा भक्त के अंतर मन जानदा थे, अब जान करी है ना। तहां भगवान राम हा रोज चालू कर दी, रोवा थे भगवान के हो के हो के हो, रोवा थे भगवान रामचंद्र जी हा। ये धाम पूरा भर गया अयोध्या में, बाबा जी आ है, एक बाबा जी आ है, एक बाबा जी आ है। पूरा सबके भविष्य बताते, पूरा सत्य सत्य बात बताते, बात हाथ को सिला तक पहुंच गए, बात को सिला तक पहुंच ही सकते। जा बाबा जी बुलाओ, और बाबा जी ने महान बुलाओ। अब एक दासी किस, एक दासी किस ना तहन कथे, ओ बाबा जी चलो चलो महारानी बुलावत है, लाला आया है, लाला रोवत है, ओकर भागकर देख के मैं भविष्य देख के मैं रोवत है। ऐसे की तहन भगवान शंकर जब शंकर पंडित बने हैं और चेला राम पीछे पीछे आते हो, आवत है आवत है, राजा में गार पा रहा है मंत्री बना शंकर भगवान खुशी तहन काम खुशी मिला। एक झंडा ही झंडी जा, एक झंडा ही एक झंडा रास्ते का मतलब है काम खुशी मिला थे गए मेरी प्रचार प्रसार कर लिया। और बड़े पति कहते थे भगवान शंकर कहते चिंता मत कर, तोरे जुगाड़ में होती, भगवान शंकर कहते तोरे जुगाड़ में थोड़ा धीरे धीरे अंदर तक जाकर फिर विश्रम दे। तब भगवान शंकर हाथ पहुंच गए, शंकर भगवान जैसे पहुंची तहन माता को सिला कथे, बाबा जी मोर बेटा के हाथ में देख दे, मोर बेटा रोवत है हाथ में देख दे, इकर भविष्य बता दे। तब भगवान शंकर कहा कि ओ माता रानी मोर आँखी दिखे नहीं हो, मोर आँखी मेरे दिखे नहीं, सियार हो गए हो, और मोर चेला राम अंदर आन नहीं दिस, ओ हाथ के रेखा देखते केड़गा है गड़गा है आरी है तिरछी है, ओला देख के बताते ऊपर हिसाब से मैं भविष्य बता दो कि है ना। शंकर भगवान बाद में संवार थे, तब माता को सिला कहते दादा ऊपर चेला खड़ो बना ना हूँ। तब दासी रहे थे फिर का कुसुंदी करा के कहते अरे भाग्य खुल गया आपका चलो हमारे साथ, का कुसुंदी कहा थे भाग्य खुल गया आपका चलो हमारे साथ, राजभवन में देखिए राम लला का हाथ। बड़ी सदा बड़ी सी है ना। और दोनों दोनों गीस और भगवान के स्वरूप देखी, भगवान के रोल चुप हो गए, भगवान के भाग्य ने देखी सिंह तो एक बहाना नहीं असली स्वरूप भगवान के स्वरूप ले थी, भगवान राम के स्वरूप ला, भगवान शंकर के दिन देखी वही दिन के भगवान के स्वरूप ला। भगवान खोले ना कहा हृदय पटल में विशाली, वही असर मन मुनि कहा थे शंकर मानस राज पर बैठने वाले कौन सुन रघुवीर कृपाला, हे कृपा करने वाले हे रघुवीर, मैं प्रभु मैं ब्रह्मा के धाम में जावत रहा हूं, लेकिन बोला पता चलीस कि भगवान बन गया है, भगवान आवा थे, भगवान आवा थे। जब ऐसे बात न सुने तो सुने उस श्रवण मन में रामा भगवान आ है, तब मन मन स्थिर हो जरूर भगवान आही। ऐसे विश्वास के साथ प्रभु तो अगोरा देखते रहे हो, तो रास्ता देखते रहे हो, और धन्य है त्याग इसकी। हकीकत में जीवन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास में है बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही में द्रव ही डरा और राम कृपा बिन सपने हो जीव न रह विश्राम। विश्वास के दिन हो गए परमात्मा के प्रति मन यदि लग गए तो भगवान लयाना पड़ी और भगवान दर्शन देना पड़ी। कैसे बताओ एक दृष्टांत सुनो तब समझ आई है प्रसन्न है विश्वास नहीं। दो जन गाई है वो दो जन गाई से नींद से और दोनों जन गाई है एक जगह गोबर से ना थापे हो दाई मन हम से नींद से नींद हो अब के बोले को हाँ गोबर थापे में रही लोगी धर धर चोरों को रखता है आही निया पहली गाई मन हाँ गोबर कोठा ले गोबर ना लेगे
और भानी रहा भानी सखर घर भानी रहा कहीं और भानी तीर में गोबर लकुल होती है ना और सुंदर से न था अब भानी न लागे घर ही न लागे सब न लागे समय बदलाव है कोई बात नहीं परिवर्तन समय के मांगे तो दाई मन हाँ गोबर ला कोठा ले लेंगे और कोठा ले करके सुंदर माटी में है ना प्यारा माटी में पट के और दोनों जन दाई मन के पड़ोसी हो और दोनों जन में सेना थापे एक जन दाई भक्ति का भगवान के और भक्ति करे बर कोई मंदिर जाए जीवित नहीं है दाई भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति कहीं भी के जा सकते तू मन हाँ साग ला राधा राधा भक्ति कर सकते है ना भागत बोलत रहा और गा रहा भजन मैंने भोजन बनाई बड़ी प्रेम से भले वो सरा हटा हाँ? लेकिन भात और भगवान पर बना तो मैंने भोजन बनाई बड़ी प्रेम से पाओ पाओ जी गोपाल पाओ पाओ जी भाटा काटक रहा है ना भजन का भक्ति हो गई भक्ति पर लेकर नहीं चाहिए कोई भी जगह भक्ति हो सकते सकल सकल गुण खाणी है ना तो दाई रहा है सेना था पे भक्ति दाई है तो क्या करे सुंदर गोबर में परोसी डाले पानी डाले और भजन गाते मेरे तो प्यारे हैं श्री राम बनाएंगे वही सब काम लोगी धरत लोगी थाना थे मेरे तो प्यारे हैं श्री राम बनाएंगे वही सब काम सिया राम जय जय राम सिया राम जय ऐसे जा भानी कर फिर तो नहीं खाई मेरे तो प्यारे हैं श्री राम बनाएंगे वही सब काम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम पता नहीं हो गोबर था कच्चा दही में ताकत लाते और दिवाली तिहार पर हुआ के कपड़ा कच्चा कच्चा ताकत लाते बिकट लाते ना तब दही मन के स्वभाव है तो ऐसे में छेदन थापे लपटाए तो भजन गाए छेदन सुखाए खरीद लागे तब हम भजन एक झंडा ही रहे पड़ोसी बहु से न थापे वो घर के गोबर ले गए कोठा ले बहु भी पूजा करे मगर सेना कैसे थापे घर के बेटा बहु नाती नजरा सब गाड़ी दे दो वो से न थापे का बताओ फल मुन किरा करे जो काय कर सुन के थे हां काले करो कि ऐसे पूजा ने गाड़ी का सुन के थे ऐसे ने लिए छेना था छेना दोनों था दोनों जन के सेना खरी सेना सुखावत थे तगावत थे भक्ति का एक छेना थोड़ा ज्यादा हो गए वो ज्यादा तहन बगल वाली जलन हो गई बगल वाली ना जलन हो गए जलन हो गई तो उसको करवल विकार आ गए चोराए हो और कहा करे वो छेना खरी ना घोड़ी वाला बीच बीच में निकाल निकाल के है ना अपन खरी बीच से दूसरा जा छेना वो चोरा चोरा के अब भाई डायमंड चिंता से तब भक्ति दाई का थे कैसे ले वो छेना हमको ना बोलता नहीं थे घोड़ी पर करके जा रहे तो कैसे हो जाए जरूर लाल में काला भरी मसाला तो है और दूसरा नहीं आपको रसी की बात एक दिन लाल का एक पासिस हो है ना मौका देख के पासिस मौका देख के पासिस तो वो हाथ चल बच्ची रात में डोकरी उड़ गिरा और उठ के ऊपर छेना खरी बीच बीच में निकाल निकाल के बीच बीच में घुसेरा रहा है ना दूसरा छेना दूसरा भक्ति का छेना अपन छेना खरी में देखी साहब भक्ति का एक छोरा भी हाँ जो तेरी लगनी फड़ा नहीं तो कौन हम काट हम का ऐसे चालू और दाई मन के सिर चेसरे और दाई मन के झगड़ा चला थे भैया हो अब उठा ना तो दरवा की निवास हाँ खतरा दाई मन के है ना वो सिंदर एक के फोटी सेवन हरे इसके ताला और जाते चुप चुप कर ये बात होते हैं वो आखी जाते हैं ना तेरा चुप चुप भर जाते हैं ऐसे झगड़ा चालू हो गए ऐसे झगड़ा जैसे झगड़ा वो हाथी पहा के वो बेलूंगे वो डहले जाते हैं महात्मा महात्मा थे राम 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 अधिक सुंदर मेरा है ये भक्ति मन दाई मन झगड़ा काबर होते बहुत ही सुंदर कर काबर झगड़ा होते वो का करते महाराज ये चोटी है छेना चुरा ले राम 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 दाई छेना चुरा ले ठीक है झगड़ा होते वो है ना
कोई बात नहीं, छोटे छोटे चीज में कावड़ झगड़ा तो भगवान के राम नाम के समय कावड़ झगड़ा होते तो छेनो चुरा लेगी तो कैसे दाई छेनो चुरा ले चिंता में हाँ चिंता रुकी तो कैसे चीज पर की गीत गीत छेदा फसका दिस खरी भक्ति कहिया और छेदा ला कान में से बताए वो कान को बताए कान को बताए तो काफी सर लगा दिस पूरा छेदा लगा दिस छेदा लगा के बाद कथे बाबा के छेदा ते चीज कथे तो साधु बाबा कथे ते छापे हस ये कैसे चीज हो ते छापे तर में कैसे चीज हो कथे बाबा तो हम जाकर मोर छेदा बता दी मोर छेदा बता दी कौन ते लगे तो सुखा छेदा ला वो बाबा रहे कान में देते तो काय आवाज आवा थे मेरे तो प्यारे है श्री राम बनाएंगे वही सब काम सिया राम जय जय राम ये हरे भक्ति और विश्वास है ना सुखा सेवा में भगवान के दर्शन भजन तो कहे की मतलब है सर्वभंग मुनि महात्मा जो है भगवान के दर्शन करे बाद अपन आपने धन्यवाद धन्य प्रभु आज आप दर्शन दे दो आज मोर जीवन सफल हो गए प्रसंग यही कहते दाई वो जीवन की सार्थकता यही है कम से कम परमात्मा के प्रति विश्वास रखन और परमात्मा के मुख रूपी ये कमला ये नेत्र रूपी भावना से कम रसपान करे के प्रयास करन तब हमारे जीवन धन्य हो सकते पीली भक्ति संकेत और एक भजन के बाद आचल से विदाई हो बोल सिया वरदान चंद्र की जय सिया वरदान चंद्र की बसर महा दलतेश्वरी मैया औदो गणगण बबराई रघुपुरी महामाला सुमिरा के बन जाए हो बाबा के बन जाए तो कृपा दे गावे ना बाधा और बांधव खे Thank you.
अलीगढ़ वाला हाथ उठा करके आखिरी भजन और आखिरी सभा मंदिर वाला जो मैया जी की Ram 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 Ram
सत्यनारायण महाराज।